Hi guys, welcome back to Aditi Vibes. Thanks for your love and support. We have already crossed 175 subscriptions. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पनीर टिक्का और ग्रीन चटनी के साथ. तो उसके लिए हमको चाहिए रहेगा पहले तो पनीर. ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसके अलावा ये कैप्सिकम मैंने टुकड़े टुकड़े काट के रखा है और अनियन हमको ऐसे चाहिए रहेगा, क्यूब क्यूब काटना है आपको. और टमाटो भी, टमाटो के बीज सारे निकाल देने हैं और साइड का पार्ट जो बचता है वो आपको यूज करना है. और इसके अलावा ये दही है और मसाले जो आपको इसमें यूज होंगे पनीर टिक्का में वो रहेगा पहले तो लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्ची. ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है सूखा धनिया. और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी यूज कीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छा कलर आता है. और जीरा और अमचूर पाउडर और नमक स्वादानुसार, ये सारी चीजें आपको यूज होने वाली हैं मैरिनेट करने के लिए. और सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट्स मेन जो है वो है मस्टर्ड ऑयल, जो होता है राई का तेल. तो हम स्टार्ट करते हैं. अभी पहले तो हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून जितना. उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही, 2 बड़े चम्मच आप डालिए दही क्योंकि पूरा मैरिनेट होना चाहिए इसको. और उसके बाद ये जो भी मैंने मसाले निकाले हुए थे वो मैंने क्वांटिटी के हिसाब से ही निकाले हैं. सारे मसाले जो हैं वो 1 टीस्पून है, ठीक है. तो ये सारा मैं मसाला इसमें डाल देती हूँ. और अभी इसमें डालना है आपको नमक, जितना आप प्रेफर करते हो नमक स्वादानुसार. और उसके बाद हम ये सारा मिक्सचर मिक्स कर देंगे अच्छे से. अभी मैं डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार. और उसके अलावा हमको बेसन भी डालना है. ये बेसन मैंने 2 बड़े चम्मच लिया हुआ है. ये कच्चा बेसन है, इसको भूनना कुछ भी नहीं है हमको. ये बाइंडिंग के लिए काम आएगा. ये जो हम पनीर टिक्का बना रहे हैं उसके ऊपर कोट में ये कोटिंग में काम आएगा. अभी देखिए ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, जो भी हमने सामान डाला है इसमें इंग्रेडिएंट्स. इसके बाद हम डालेंगे इसमें पनीर के सारे क्यूब्स. ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, मैंने बताया आपको. और ये भी जो हमने वेजिटेबल्स कट किए हुए हैं, कैप्सिकम अनियन और टमाटो, ये भी हम सारा इसमें ही डालेंगे क्योंकि ये भी मैरिनेशन होना बहुत जरूरी है अच्छे से. और आधा घंटा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे. उसके बाद हम तंदूर यूज करेंगे. और जैसे कि तंदूर हमारा नया है तो इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करने हैं पहले नए तंदूर में कि आपको पहले प्री हीट करने रखना है क्योंकि ये नया तंदूर है तो इसमें फॉल्स स्मेल आती है. तो जब ये आप ऑन करके रखेंगे तो वो सारी स्मेल निकल जाएगी और फिर जब आप खाना बनाएंगे उसमें तो वो स्मेल उसमें नहीं जाएगी. तो हमने वो ऑलरेडी कर दिया है स्टेप. उसके बाद हम अभी थोड़ा 5 मिनट प्री हीट करने रखेंगे तंदूरी ओवन को. उसके बाद डालेंगे स्टिक में. जब तक हमारा ये पनीर टिक्का मैरिनेट हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं साइड में चटनी, क्योंकि चटनी के बिना ये अधूरी है रेसिपी. तो मैंने धनिया लिया हुआ है, धो दिया है मैंने धनिया. और एक छोटा प्याज लिया हुआ है मैंने, अदरक ली है 1 इंच टुकड़ा, और मिर्ची आप जितना खाते हैं उसके हिसाब से, और लहसुन लेना है आपको, ठीक है. और उसके अलावा नमक भी डालेंगे आप, और 1 लेमन भी आप स्क्वीज करके डालेंगे. ये वृत्ति भी, और वो तो बहुत हेल्प करती ही है. वैसे भी मेरे को अपना नाश्ता भी खुद बनाना आता है उसको, ब्रेकफास्ट. अभी वो बोल रही है कि मैं करूंगी, मेरे को छोड़ दो आप, मेरे को सिर्फ बताते जाओ क्या करना है. तो अभी इसने ये सारे इसमें टिक्का भर दिए हैं और क्या किसके बाद डालना है वो सब बताती गई हूँ मैं, उसके हिसाब से इसने पूरा कंप्लीट कर दिया है. और हमारा ये तंदूर भी प्री हीट मैंने करने रख दिया था 2 मिनट पहले. अभी हम एक एक करके इसमें तंदूर खोल के इसमें लगाते जाएंगे. मम्मी मेरी, हाँ
आप रखोगे? चलो जब तक ये रेडी होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बना लिया है चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, मिर्ची डाली है, नींबू डाला है, नमक डाला है, प्याज डाला है और लहसुन अदरक भी डाला है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए जब तक ये बन जाता है, उसके बाद मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कैसा बना है और रुचि से ही टेस्ट कराएंगे। शी इज वेरी मच एक्साइटेड, कुछ अच्छा बन रही वो भी न्यू मशीन से। इसको टच नहीं करना। तो देखिए गाइस, अभी ये रेडी है हमारा पनीर टिक्का विद ग्रीन चटनी। बहुत 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 अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। अभी मैं वृत्ति को टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट एंड गिव द ऑनेस्ट फीडबैक ये कैसा बना है। चटनी भी दे, चटनी खाओगे? बहुत गर्म है गाइस। प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी। और भी मैं बहुत कुछ आपको नया सिखाने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोस में। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, प्लीज गिव अस द सेम लव यू हैव ऑलरेडी गिवन अस। शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हिट द बेल आइकन।